हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेके सिविल। आज का जो वीडियो है वो IS 1200 मतलब सिविल इंजीनियरिंग में जो IS 1200 है मोड ऑफ मेजरमेंट, उसके ऊपर पूरा वीडियो है। तो IS 1200 में आपको टोटल 29 पार्ट है। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है पार्ट नंबर 12, प्लास्टर एंड पॉइंटिंग। तो प्लास्टर के मोड ऑफ मेजरमेंट और उसके रिडक्शन के ऊपर जो क्लैरिफिकेशन है उसके ऊपर आज का पूरा वीडियो है। तो वीडियो गौर से देखिए, कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बोलिए, तो मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, IS 1200 में जो मोड ऑफ मेजरमेंट है वो ऐसे लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1, रिडक्शन शेल बी मेजर टू नियरेस्ट 0.01 मीटर और एरिया शेल बी वर्क आउट टू नियरेस्ट 0.01 स्क्वायर मीटर। मतलब 0.01 तक आपको मेजरमेंट लेके जाना है। अभी रिडक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, आईएस कोड में आपको 3.8 में रिडक्शन के ऊपर पूरा यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है उसको एक एक पॉइंट में अभी आपको बोलूँगा पिक्चर दिखा दिखा के। देखिए, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है, नो रिडक्शन शैल बी मेड एंड ऑफ जॉइस्ट बीम पोस्ट एक्सेट्रा एंड ओपनिंग नॉट एग्जिस्टिंग 0.5 स्क्वायर मीटर ईच एंड नो एडिशन शैल बी मेड फॉर रेवल्स जैम्स ऑफ इट सील एक्सेट्रा। तो मान लीजिए ये ओपनिंग है, तो इसको आप थ्री में देखोगे तो यहाँ पे एक आपको वॉल दिखेगा, यहाँ पे वॉल दिखेगा, यहाँ पे वॉल दिखेगा, यहाँ पे वॉल दिखेगा। इसको आपको जैम सॉफिट और सील कहते हैं, इसको आपको सील कहते हैं, इसको आपको जैम एंड सॉफिट बोलता है इसको। तो चलिए इसका मेजरमेंट देखते हैं। वॉल का जो एरिया है आपको 5 × 2.9 14.5 होता है और कट आउट के लिए आपका होता है 0.42 × 0.2। तो ए आपको 0.5 से कम है, तो ए आपको ए एरिया से माइनस नहीं होगा, आपको पूरा बिल में 14.5 ही आपको बिल में मिलेगा। दो साइड अगर प्लास्टर होगा तो एक साइड पूरा मिलेगा, मतलब ए कट आउट आपको माइनस नहीं होगा। तो बल्कि नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है, 0.5 से 3 मीटर तक अगर कोई ओपनिंग है तो उसमें बहुत सारे कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन है, व्हेन बोथ फेस ऑफ वॉल आर प्लास्टर विथ सेम प्लास्टर डिडक्शन शैल बी मेड फॉर वन साइड ओनली। मान लीजिए ये वॉल का एक साइड है और उस साइड भी एक वॉल है, सेम मटेरियल से प्लास्टर हुआ है और इसका ओपनिंग है आपका 1350 × 2.50 मीटर एक डोर का ओपनिंग है। तो एक साइड का वॉल है आपका 14.5 और ओपनिंग का साइज है आपका 2.75। तो आपको दो साइड का वॉल का प्लास्टर लेना है और एक साइड ए वाला एक ही साइड माइनस करना है। और अगर मान लीजिए एक साइड प्लास्टर होता है और एक साइड ही ओपनिंग है तो आपको इसका आधा ही माइनस करना है। और इसके ऊपर बड़ा कंडीशन है जो मैं आपको नीचे बोलूँगा। अभी देखिए, ओपरा कंडीशन जो आप बोलना चाहता था, When two face of wall are plastered with different type of plaster or if one side is plastered and other side pointed, reduction shall be made from the plaster or pointed on the side on which width of rebels is less than the on the other side but no reduction shall be made for the other side. When width of the rebel on both side of wall equal, reduction of 50% of area of each. मान लीजिए एक दो साइड प्लास्टर हुआ अदर मेटल से, या एक साइड प्लास्टर हुआ है, एक साइड पॉइंटेड हुआ है और ये आपका डोर का वॉल है, मतलब डोर का जो आपको सेक्शन काटेंगे तो उसका जो वॉल दिखेगा, तो ये 200 का वॉल है। तो ए साइड प्लास्टर हुआ है, ए साइड पॉइंटिंग हुआ है। तो देखिए, ए साइड आपको 120 प्लास्टर हुआ है, ए साइड 80 mm पॉइंटेड हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो डिडक्शन आपको ए साइड ही करना है, ए साइड में डिडक्शन कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 50-50 हुआ है, मतलब 100 और 100 इधर, तो दो साइड ही 50-50 करके आपको प्लस डिडक्शन करना है। अभी अगर नेक्स्ट पॉइंट में, व्हेन ओनली वन फेस इज प्लास्टर एंड अदर फेस इज नॉट, फुल डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम प्लास्टर इफ विद ऑफ रेवल सेम पॉइंट ही आपको यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे प्लास्टर हुआ है, यहाँ पे प्लास्टर नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, ए 120 है, ए 80 है, तो प्लास्टर के साइड से पूरा ओपनिंग आपको माइनस कर लेना है। अगर देखिए यहाँ पे लिखे, बट इफ विथ ऑफ रेवल्स ऑफ बोथ साइड आर इक्वल और विथ ऑफ रेवल ऑफ प्लास्टर साइड इज मोर, नो रिडक्शन शैल बी मेड। मान लीजिए विथ ऑफ द रेवल्स ऑन प्लास्टर साइड इज मोर, तो सॉरी मैं उल्टा बोल चुका हूँ पहले। मान लीजिए यहाँ पे आपको 120 में प्लास्टर हुआ है, 80 में प्लास्टर नहीं हुआ है, तो कोई भी रिडक्शन नहीं होगा।
और अगर यहाँ पे 80mm प्लास्टर होता और 120mm प्लास्टर नहीं होता है तब इसको फुल रिडक्शन करना चाहिए था, ठीक है ना। तो मैं पहले उल्टा बोल चुका था, सॉरी इसके लिए। तो मान लीजिए इधर प्लास्टर हुआ है, इधर प्लास्टर नहीं हुआ है, तो इधर 120mm प्लास्टर हुआ है, इधर प्लास्टर नहीं हुआ है, तो कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 प्लास्टर होता था, यहाँ पे 100 प्लास्टर नहीं होता था, तब भी माइनस नहीं होता था। अगर यहाँ पे 80mm प्लास्टर होता और यहाँ पे 120 प्लास्टर नहीं होता, तब ये ओपनिंग पूरा माइनस होता। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो एरिया आपको ज़्यादा है उस साइड आपको कंसिडर करना है। मतलब प्लास्टर होगा तो रिडक्शन ज़्यादा होगा, तो रिडक्शन नहीं होगा। प्लास्टर अगर नहीं होगा ज़्यादा तो रिडक्शन होगा। ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो साइड ज़्यादा है आपको उस साइड कॉन्सेप्ट करके आपको आगे जाना है, ठीक है ना। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये 200 का वॉल है, 120mm प्लास्टर हुआ है, 80mm प्लास्टर नहीं हुआ है, तो कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। अगर 120mm प्लास्टर नहीं होता और 80mm प्लास्टर होता तो ओपनिंग साइड फुल रिडक्शन होता प्लास्टर साइड से। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। बात है नेक्स्ट पॉइंट में, व्हेन विड्थ ऑफ डोर इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ वॉल और प्रोजेक्शन बियॉन्ड द थिकनेस, फुल डिडक्शन ऑफ ओपनिंग शैल बी मेड फॉर प्लास्टर साइड। मान लीजिए एक डोर का फ्रेम है, ये वॉल के वॉल और डोर का फ्रेम पूरा आपको सेम सेम है, तो ये वॉल का साइड कोई भी प्लास्टर नहीं हुआ है, कोई भी कुछ नहीं हुआ है, तो आपको फुल ओपनिंग डिडक्शन होगा। अगर वो 3 मीटर से कम है या ज़्यादा भी होगा, तो मान लीजिए 2 साइड प्लास्टर हुआ है या 1 साइड प्लास्टर हुआ है, 1 साइड नहीं हुआ है, और आपका डोर का फ्रेम और वॉल का जो विड्थ है पूरा सेम है, तो आपको वो डोर का साइड में जो वॉल का पोजिशन होता है वो प्लास्टर नहीं होगा, तब आपको पूरा डिडक्शन ओपनिंग करना पड़ेगा। अभी देखिए, अगर ओपनिंग 3 मीटर से ज़्यादा होगा तो आपको पूरा ओपनिंग माइनस होगा और 100 फीट जैम उसका मेजर अलग से लेना पड़ेगा। तो देखिए आप ओपनिंग, ये मान लीजिए 3 मीटर से ज़्यादा है और यहाँ पे छोटा सा एक विंडो लगा है या डोर का फ्रेम लगा है, तो ये पूरा एरिया आपको इस वॉल का एरिया से माइनस होगा, और प्लस ये जो एरिया है, ये जैम, ये सील, ये रिबिट जो भी है, यहाँ से इसका मापी करके इसका पूरा पेरीफेरी लेके पूरा आपको लेना है यहाँ तक, ये जो फ्रेम है यहाँ तक, जो जितना भी प्लास्टर हो उतना आपको लेना है। अगर 3 मीटर से ज़्यादा होगा तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसा प्लास्टर का पूरा मोड ऑफ मेजरमेंट, आपको अगर डिटेल्स में कुछ जानना है तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे को मेल कीजिए, तो मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा मेल में। और आगे और भी आई एस पारस के ऊपर वीडियो आएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।